Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I am Fazila Pathan and today I will give you the lecture of science. Today we will discuss the remaining topics of your unit number 3 ecosystem. Aaj hum aapke unit number 3 ke ecosystem ke jo remaining topics reh gaye the unke bare mein discuss karenge. Sabse pehle maine aapko bataya tha ki ecosystem ek किसे कहते हैं. इकोसिस्टम एक ऐसा रहन सहन का माहौल होता है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के कोलैबोरेटिव बिहेवियर्स के साथ अपना सर्वाइवल पॉसिबल बनाते हैं. अब हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसी बहुत सारी लिविंग थिंग चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. तो वो चीज़ें जो मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के इंटरेक्शन के साथ एक इकोसिस्टम बन जाता है, जिससे हमारा वो हमारे रहन सहन के लिए बहुत मुतासिर होता है और उसके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होता. तो सबसे पहले हम प्रे एंड प्रीडेटर्स पढ़ेंगे. प्रे एंड प्रीडेटर्स क्या है? शिकार और शिकारी. ये दो बातें आप समझ लें. जानवर जो है वो यूजुअली एक दूसरे को खाते हैं. एक जानवर दूसरे जानवर पे ही को खाकर ही अपना ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ा हासिल करता है और वो जो है फिर उससे अपनी जो है नशोनुमा करता है. इसी तरीके से वो जानवर किसी और प्रोड्यूसर या किसी और कंज्यूमर को खा रहा होता है. जिस तरीके से लास्ट हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर्स जो है वो ख़ुद से खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खा रहे होते हैं, कंज्यूमर्स को जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खा रहे होते हैं. तो ये जो एक दूसरे को ये खाते हैं, तो इसमें जो शख्स खाता है, मींस के जो जानवर, अब लॉइन है, उसने एक डियर खा लिया, एक जो है वो हिरन को खा लिया, तो लॉइन क्या बन गया? प्रीडेटर्स. और प्रे उसका शिकार कौन हुई? हिरन. हिरन जो है वो उसका खाना बन गई. तो जो एनिमल खाना बनेगा वो हो जाएगा प्रे, और जो उसको खा लेगा वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर्स. एनिमल दैट ईट और किल अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स. जो जानवर दूसरे जानवरों को किल कर दें, मार दें, खा लें उसे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडेटर्स. जबकि वाइल्ड का मतलब होता है जबकि एनिमल्स विच आर किल्ड और हंटेड बाय अदर्स आर कॉल्ड प्रे. और वो एनिमल जो दूसरों के ज़रिए मर जाएं, मतलब दूसरे उनको मार दें, दूसरे उनको हंटेड, उनका शिकार कर लें, उनको खा लें, वो क्या हो गए? उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम प्रे कहेंगे. प्रे कहते हैं शिकार, वो दूसरे उनका शिकार कर लेते हैं और उनको खा लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लॉइन ईट्स अ डियर. एक लॉइन जो है वो डियर खा लेता है. तो लॉइन क्या हो गया? लॉइन हो गया प्रीडेटर. और डियर क्या हो गई? डियर हो गई उसकी प्रे. सो द लॉइन इज़ अ प्रीडेटर एंड द डियर इज़ द प्रे. लेट अस लुक एट सिंपल एग्ज़ाम्पल. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देखें. ग्रास, सन की जो है वो रोशनी लेकर ग्रास बढ़ी, क्योंकि ग्रास एक प्लांट है. मैंने आपको बताया था, तमाम प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. वो अपनी एनर्जी खुद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सन की मदद से, वाटर की मदद से, और हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके वो प्रोड्यूसर होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. और उनको कौन खा रहा है? डियर. तो डियर का जो प्रे है वो ग्रास हो गई, और डियर खुद क्या बन गया? प्रीडेटर. लेकिन डियर को जब लॉइन खा लेगा तो लॉइन क्या बन जाएगा? लॉइन बन जाएगा प्रीडेटर, और डियर हो जाएगी इसका प्रे, इसका शिकार. उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट को अगर हम देखा जाए तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं और नॉन लिविंग भी, जानदार चीज़ें भी मौजूद होती हैं, बेजान चीज़ें भी मौजूद होती हैं. दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे होते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स प्लांट एंड एनिमल इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट. जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो तभी पैदा होंगे, तभी वो नशोनुमा कर पाएंगे अपनी, जब उनके पास क्या होगी? हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट
और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ताकि वो फूड भी हासिल करें और वो अपना जो रिहाइश है वो उसको पॉसिबल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को गुजारना आसान बनाएं इन सब चीज़ों के साथ। और अगर इन चीज़ों ये चीज़ें नहीं होंगी, मीन्स के लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का आपस में मिलाप नहीं होगा तो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, और जब इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए इकोसिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज वुडन लोग और एज बिग एज फॉरेस्ट। लेट अस स्टडी सम कॉमन इकोसिस्टम इन डिटेल। इकोसिस्टम माहौल के हिसाब से होता है, मतलब छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अगर एक छोटा जंगल है या एक छोटा गार्डन है और वहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, वहाँ पे भी तो हवा पानी है, नॉन लिविंग भी मौजूद हैं और लिविंग जानवर भी मौजूद हैं, तो हालांकि है छोटा लेकिन वो भी एक इकोसिस्टम है। लेकिन अगर हम बड़े जंगलात की बात करते हैं, वहाँ पे भी जानवर हैं और वहाँ पे भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, तो उनके इंटरेक्शन को भी हम इकोसिस्टम कहेंगे। फॉरेस्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगलात का जो इकोसिस्टम है उसके हवाले से पढ़ेंगे कि जंगलात के इकोसिस्टम में क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, क्या क्या लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और क्या क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एवरग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड डिकम्पोजर्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग फैक्टर्स, सॉइल, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा। सिंपल फूड चेन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज शोन इन द पिक्चर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो कंजिस्ट होता है, मुश्तमिल, कंजिस्ट मीन्स मुश्तमिल होता है बहुत सारे हरे भरे पौधों से। बहुत सारे हरे भरे पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, फूल होते हैं और हरियाली काफ़ी होती है फॉरेस्ट में, और बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर्स मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो सारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और उनका जो इंटरेक्शन है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी है, जैसे कि सॉइल, मिट्टी, मिट्टी भी होती है, हवा होती है, सनलाइट होती है। तो ये जो फॉरेस्ट में जितने भी जानवर रहते हैं और वहाँ पर जो जो जिस जिस किस्म के जानवर रहते हैं, जिस जिस किस्म की मिट्टी, हवा और उनको सूरज की रोशनी मिल रही होती है, उसके साथ वो मिलकर अपना सर्वाइवल, अपना गुजारा मुमकिन बनाते हैं, वो हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जंगलात हैं, वहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड इकोसिस्टम। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैदानों में हल्की हल्की सी घास लगी होती है और बड़े बड़े रकबे के वो मैदान होते हैं और उसमें जो है वो जानवर रह रहे होते हैं। इट्स होम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एनिमल स्पीशीज सच एज एलिफेंट्स, जिराफेस, लायंस, ज़ेब्रास। मतलब दुनिया की काफ़ी जो रिकॉग्नाइजेबल हैं, जो पहचान कुन जो जानवर हैं, जो ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और उनको ज़ू वगैरह में भी रखा जाता है नुमाइश के लिए, तो वो जानवर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहते हैं। बड़े बड़े खुले खुले दूर दूर तक मैदान होते हैं और उसमें हल्की फुल्की सी घास होती है, और फॉक्सेस, लोमड़ियाँ, वोल्व्स, भेड़िए एंड बफेलोज, भैंसें भी वहाँ पे रहती हैं। इट हैज़ हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जो गर्मी, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, और इनकी जो फर्टाइल सॉइल, इनकी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो फर्टाइल है, ज़रखेज़ है यहाँ पे, मतलब आराम से आप खेती बाड़ी कर सकते हो, फर्टाइल है, घास फूस उगेगी, पौधे और दरख्त वगैरह सब उगेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जो एक एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दी गई है, जैसे ये आप देख सकते हैं दूर दूर पेड़ भी हैं और हल्की फुल्की घास भी है और सन भी नज़र आ रहा है, मीन्स के गर्मी भी है। तो ये इस टाइप के माहौल में रहने के आदी होते हैं कुछ जानवर। अब एक जानवर है मछली, अगर मैं उसको लेके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रखूँगी तो वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि भाई उसको चाहिए होता है पानी रहने के लिए। उसका जो सर्वाइवल है वो उसके अपने इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम पर मुश्तमिल है। तो हर जानवर अपने इकोसिस्टम में एडजस्टेबल होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना सर्वाइवल पॉसिबल बनाता है। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ वार्म एंड ड्राई,
It has animals such as camel, reptiles, rabbits and snakes. It has few plants, cactus, ironwood and receives little rainfall. डिज़र्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? डिज़र्ट इकोसिस्टम जैसे कि आपको पता है बहुत गर्म होता है और खुश्क होता है, और यहाँ पर जो है वो ऊँट, जिसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं क्योंकि वो उसके जो पाँव इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि वो रेत में जो है वो काफ़ी तेज़ भाग सकता है, और वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो प्लांट है कैक्टस, कैक्टस में एक खसूसियत है कि वो अपने अंदर ना पानी को बहुत लंबे अरसे तक स्टोर कर सकता है, उसको फिर रोज़ रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो जो है हैबिचुअल है डेज़र्ट का, वो डेज़र्ट में ईजिली ग्रो कर जाता है, उस टेम्परेचर का हैबिचुअल है क्योंकि वो उस इकोसिस्टम का क्या है, उस इकोसिस्टम के साथ उसने अपने आप को एडजस्टेबल बनाया हुआ है। अब डेजर्ट इकोसिस्टम आपने पढ़ा, डेजर्ट इकोसिस्टम के साथ हम जो है वो पढ़ेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम में हमने पढ़ा कि डेजर्ट में जो है वो कैमल आसानी से रह सकते हैं, डेजर्ट में जो स्नैक्स होते हैं रैबिट्स होते हैं, और प्लांट्स जैसे कि कैक्टस वहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकता है क्योंकि उसका जो डेजर्ट के एनवायरनमेंट से, डेजर्ट में मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ उनका सरवाइवल, उनका गुजारा एडजस्टेबल होता है, ईजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो वो किस इकोसिस्टम में रहते हैं? वो डेजर्ट वाले इकोसिस्टम में रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। अ पॉन्ड इकोसिस्टम है द वैरायटी ऑफ डक्स, फ्रॉग्स, टर्टल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पॉन्ड तालाब में रहने वाले जो जानवर हैं जैसे कि बत्तख हैं, फ्रॉग, मेंढक, टर्टल, कछुए और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के नीचे भी पाए जाते हैं, और पानी से जो साथ मिट्टी लगी होती है उस पर भी आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीनिश आई हुई होती है, तो वो लिविंग थिंग है, वो फंजाई उसको कहते हैं, और वो लिविंग है लेकिन वो है यूनिसेल्यूलर, इसलिए उसकी आईज नोज विजिबल नहीं होती। इसलिए जो पॉन्ड्स में जो मोस्टली जानवर रहते हैं वो पॉन्ड्स में मौजूद पानी, पॉन्ड्स में मौजूद जिस किस्म का एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है उस एनवायरनमेंट से वो बिल्कुल एडजस्टेबल होते हैं, उसी इकोसिस्टम और रहन सहन में रहने के आदी होते हैं। वाटर लिलीज़ आपने देखा होगा पॉन्ड में बड़े बड़े पत्ते जो है वो गोल राउंड शेप के पत्ते गिरे हुए होते हैं जिन पर अक्सर मेंढक भी बैठे होते हैं, तो वो जो आसपास पॉन्ड्स के जो पेड़ उगते हैं उसमें उस किस्म के जो है वो जो पौधे प्लांट्स उगते हैं उस किस्म के पत्ते उसके अंदर होते हैं और वो गिरकर पानी में आ जाते हैं और पॉन्ड लिलीज के तौर पे वो तैर रहे होते हैं, जिसमें इन एनिमल्स को जो वहाँ रहते हैं उसमें उसको बैठने में आसानी होती है। तो मतलब वो अपने सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से बड़े सेटिस्फाई होकर वहाँ पर रह रहे होते हैं। अब पॉन्ड्स, अगर पॉन्ड्स इकोसिस्टम में रहने वाले एनिमल्स को उठा के अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम में डाल देंगे तो वहाँ पर एडजस्टेबल बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, और पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है वो वही जानवर सर्वाइव करते हैं जो उस सर्वाइवल के आदि होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, और काफ़ी सारे जो है वो डक्स हैं, ये सब प्लांट्स हैं आसपास, तो ये जो है वो इसी इकोसिस्टम में रहने के आदि होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। कंपटीशन फॉर सर्वाइवल का मकसद ये है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है अपना सर्वाइवल पॉसिबल बनाने के लिए। अब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ताकि वो ज़िंदा रह सके, छोटी मछली दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो इस तरीके से इनमें कुछ ऐसी जानवरों की स्पीशीज़ होती हैं जो कम हो गई हैं, काफ़ी लोग उनका शिकार करते हैं खाने के लिए, या तो कंपटीशन फॉर सर्वाइवल बढ़ रहा है। अब जैसे कि अगर उनको अपने माहौल के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो आबादी उनकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो दूसरे उनके प्रेडेटर्स हैं वो तो उनको अपना प्रे बनाएंगे, वो तो अपना शिकार बनाएंगे। तो यही जो कंपटीशन फॉर सर्वाइवल है, रहन सहन के लिए जो शिकार के लिए होना ज़रूरी है, ये जो है वो उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज है। इन एवरी टाइप ऑफ इकोसिस्टम देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर सर्वाइवल अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए, गुजारा करने के लिए एक कंपटीशन दरकार होता है। ईच ऑर्गेनिज्म नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ सोर्स ऑफ फूड।
फूड के लिए उन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर उनका इन्हिसार होता है और उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, सनलाइट, इन सब की चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। दे फाइट विद ईच अदर फूड एंड समटाइम फॉर टेरिटरी एन एरिया दैट इज़ एक्यूपाइड बाय सिंगल एनिमल। और ऐसा भी होता है कि एनिमल्स जो है वो उस इकोसिस्टम में आना चाह रहे होते हैं लेकिन वहाँ के जानवर उन्हें अलाउ नहीं कर पा रहे होते, तो उनको रिहाइश सही नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर शिकारी ज़्यादा होते हैं अब वहाँ से जानवर जो है वो फिर चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे से लड़ना और जानवरों का, और एक दूसरे से जो है वो दूर जाना कि वो हमें शिकार ना बना लें, तो इस किस्म से कंपटीशन ऑफ सर्वाइवल चलता रहता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्हें अपना ग़िज़ा पूरी करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। इफ़ एनिमल डू नॉट गेट फूड और टेरिटरी दे कैन नॉट सर्वाइव इन एन इकोसिस्टम। अगर वो एक इकोसिस्टम में उनको खाना भी नहीं मिल रहा और उनको रहने की जो है वो जगह, टेरिटरी कहते हैं रहने की जगह भी नहीं मिल रही, तो फिर उनका जो सर्वाइवल है वो काफ़ी टफ हो सकता है। इसलिए जो है वो हम लोग कहते हैं कि जानवरों की भी हिफाजत करनी चाहिए और जंगलात ज़रूर बनाने चाहिए, जंगलात उगाने चाहिए ताकि जो जानवर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ईज़िली रहते हैं वो वहाँ पर अपना सर्वाइवल पॉसिबल बनाएं। जानवरों का होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और आप लोग इसको लेक्चर को अच्छे से सुनिए, समझिए और जो काम आपको दिया गया है उसको अच्छे से याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।